आकाश मिश्रा ने एक बार फिर से कर दिया है मेकर्स को एक्सपोज। देखिए मेकर्स जो है वो बायस्ड ही हैं, ये अब हम लोगों को पता तो चल ही गया है। पूरा करणवीर शो बना दिया है और जो फराहा जो आई थी वो फैन थी जो होस्ट करके गई है, हर एक चीज़ बोलने का मौका, हर एक चीज़ बस करणवीर ने ही सही की है। और ये सब चीज़ें जो है सिर्फ अविनाश को नहीं, काफ़ी सारे घर के अंदर मौजूद लोगों को लगी है। बहुत सारे लोगों ने जो है बोल दिया है खुल के, बहुत सारे लोग जो है बोल नहीं पाए हैं, पर सबको पता तो चला है कि भाई ये चीज़ हो रही हैं। तो अब जो है एक प्रोमो सामने आया है, उस प्रोमो के आधार पर जो है बात करती हूँ मैं भी, शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, बट मैंने जो है वो देख लिया है। पहले इस प्रोमो के बारे में गॉसिप करने से पहले मैं अविनाश मिश्रा को जो है हैप्पी बर्थडे विशेस ज़रूर करना चाहती हूँ कि हैप्पी बर्थडे अविनाश मिश्रा। और भाई सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, हर एक इंसान अच्छा होता है, पर सिचुएशन के आधार पर जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और ये घर भी जो है ऐसा ही है। और एक टैग भी चल रहा है ब्लस्ट HBD हैप्पी बर्थडे अविनाश मिश्रा। तो अविनाश मिश्रा जो है लाइट्स ऑफ होने के बाद जो है वो बैठे हैं, तो कशिश को वो पूछते हैं कि कशिश तुम्हें नॉमिनेट कितने लोगों ने किया था, तो बोली कि 3 लोगों ने किया था, 4 लोगों ने किया था, पर फिर उसके बाद तुम्हें वोट कितनी मिली, बोली 6। बोला लो साला ये भी पॉपुलर हो रही है और हम यहाँ पर बैठे हैं। बोली कोई बात नहीं हम मिश्रा जी, तुम नेक्स्ट टाइम बोलते रहो, तुम्हारी भी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ जाएगी, साला तुम क्यों इतना ज़्यादा जल रहे हो हमसे। तो मिश्रा बोल रहा है, यानी कि अविनाश बोल रहा है कि भाई हमने तो बिग बॉस साइन किया था, अब पता चला है कि हम करणवीर शो में पहुंच गए हैं, हमने तो बिग बॉस शो साइन किया था। और काफ़ी सारी मस्ती जो है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई साला बिग बॉस खेल गए हैं, बिग बॉस खेल गए हैं, और करण ये तो तुम्हारा शो हो गया है, अभी पता चले कि भाई खतरों के खिलाड़ी, तुम खतरों के खिलाड़ी जीत लिए हो, अब बिग बॉस भी तुम जीतने वाले हो, तो हमें ऐसा करो यूनिट में ही काम दिला दो, और तो कुछ नहीं है। तो वो इसी तरीके से जो है ऐसे हंस हंस के खरी खोटी सुना रहा है अविनाश। बिग बॉस को तो सुनाई दे रहा है, कानों में तो पड़ रहा है, फनी तो लग रहा है, पर अविनाश को बड़ी जल गई है, अविनाश को बहुत ही ज्यादा जल गई है। और अविनाश जो है एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, एक बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट जो है वो करने के लिए मतलब ये दिख रहा है। देखिए एक बात ये भी है कि वीकेंड के बार पे जो है फरा ने ये बात बोली थी कि भाई तुम इतने अच्छे स्मार्ट हो, क्या तुम्हें को गुस्सा ही करना आता है, तो अविनाश ने बोला था कि मैं इस पे काम करूंगा, मैं मेरे अलग एंगल्स भी हैं, मतलब कि फनी खुश होना एक अलग फेसेस भी हैं, तो ये एक अलग फेस जो है अविनाश मिश्रा का इस बार देखने के लिए मिल रहा है। अविनाश मिश्रा ने नोटिस किया कि भाई करणवीर को काफी ज्यादा हाइप दी जा रही है। अविनाश मिश्रा ने ये चीज नोटिस की कि जब भी इनकी टोली जो है जब आती है नॉमिनेशन में, तब नो एलिमिनेशन जो है वो बता दी जाती है, और तो और जो है मतलब कि लोग जो है जो इस घर में मतलब कि कर रहे हैं, और विवियन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पंगा पड़ गया है पहले भी जो है, कि विवियन को क्यों बुला लिया है कन्फेशन रूम में, मुझे क्यों नहीं बुलाया है, ईशा का बता दिया गया है कि भाई ये लट्टू और पंटू जो है तुम लोग लग रहे हो ईशा के, मतलब कि ईशा असिस्टेंट लग रही थी पर तुम ईशा के जो है असिस्टेंट लग रहे हो। तो कहीं पर भी जो है अविनाश मिश्रा अपने आप को लीड करते हुए दिखाई देख नहीं पा रहे हैं, उनकी कहीं पर बात नहीं हो रही है, जिसके कारण उनको जो है अंदर से काफी ज्यादा भौचाल महसूस हो रहा है, और वो भौचाल जो है वो भटक रहा है, और काफी सारी चीजें जो है उनके मुंह से निकलवा रहा है, उनको गुस्सा जो है मेकर्स के ऊपर आ रहा है कि मेकर्स जो है वो बायस्ड और मेकर्स जो है ऐसी चीजें कर रहे हैं, बिग बॉस खेल रहे हैं और उसके साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, और उसके चक्कर में जो है अविनाश ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि आने वाले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे जरूर। पर अविनाश के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, इंडस्ट्री में तो कहते ही ये बात है कि भाई बात होनी चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, बस बात होनी चाहिए। पर ज़्यादातर लोग जो है जो इंडस्ट्री वाले हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे बारे में नेगेटिव बात हो, क्योंकि नेगेटिव जो है ज़्यादा स्प्रेड होती है पॉजिटिव से ज़्यादा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।